हेलो एवरीवन, तो मैंने आपको कल के दिन पिछले ही रात बताया था कि बीएनबी का बहुत ही जल्द बर्न होने वाला है। तो फाइनली बीएनबी का बर्न सच में हो चुका है। बाइनेंस का जो स्केड्यूल बर्न होता है तो वो रेगुलर बेसिस पर अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि ये ऑटो बर्न होने की वजह से ये बर्न कभी भी रुकता नहीं है, जैसे कि वजीरेक्स के बर्न रुके हुए हैं। तो बाइनेंस को लेकर ये बहुत ही बड़ी अपडेट है, क्योंकि इसी की वजह से अभी क्या कि सप्लाई कम होती जा रही है, लेकिन बीएनबी की जो डिमांड है वो हमेशा बढ़ती रहती है। तो थोड़ा और डिटेल में आपको बताऊंगा कि कितना बर्न हुआ है और इसका आगे चल के इम्पैक्ट क्या हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी फाइनली बिटकॉइन भी $30,000 से ऊपर आ चुका है, एक ऐसे पॉइंट पे जहां से हमें रैली पहले भी एक्सपेक्टेड थी। और सबसे अच्छी चीज़ यह है कि मार्केट कैप जो है वो 1.2 ट्रिलियन ही है, क्योंकि जब BTC का प्राइस $30,000 से नीचे गया था उसका खास इम्पैक्ट ओवरऑल मार्केट कैप के ऊपर नहीं पड़ा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं जो एज ए ऑल्ट कॉइन्स अपना अलग से परफॉर्म कर रहे थे इरिस्पेक्टिव ऑफ बिटकॉइन। हम देख सकते हैं कि XRP का प्राइस बढ़ा है, पिछले 7 दिन के अंदर 60% से भी ज़्यादा प्रॉफिट दिया है। XLM, जब भी मैंने आपको बताया कि XRP जब भी प्रॉफिट देता है उसी के साथ साथ XLM हमेशा देने वाला है, और यही चीज़ हमने नोटिस करी है कि XLM ने 40% से भी ज़्यादा में प्रॉफिट दिया पिछले एक हफ्ते के अंदर। और ऐसे और भी कई सारे कॉइन्स हैं, जैसे कि सोलाना है, हेड्रा है, इसी के साथ ऑप्टिमिज्म है, तो कई सारे कॉइन्स ने अच्छा प्रॉफिट दिया। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे बाइनेंस के बारे में और बीएनबी के बारे में, तो वीडियो पूरा देखते रहना। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक बाकी वीडियोज की नोटिफिकेशन हमेशा सबसे पहले पहुंच रहे। और अगर आपको अपडेट सबसे पहले चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यह मैंने आपको कल ही बताया था कि लगभग 2 मिलियन के आसपास बीएनबी का बर्न किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 1.99 मिलियन यानी कि ऑलमोस्ट 2 बिलियन की सप्लाई जो है वो बर्न करी गई है। ये बनती है लगभग 1.27% ऑफ टोटल सप्लाई, यानी कि जितनी भी टोटल सप्लाई है बीएनबी की उसका 1.27% बर्न कर दिया गया है। अब ये पूरा के पूरा अमाउंट कहाँ जाता है, तो ये अमाउंट कुछ ऐसे डेट वॉलेट्स में या फिर ऐसे एड्रेस पे जाता है जहां से ये अमाउंट कभी भी ना तो वापस आएगा और ना ही ये कभी सर्कुलेटिंग सप्लाई का हिस्सा बनेगा। अब इसका मतलब ये होता है कि जब भी बर्न किया जाता है, ये जो इतनी सारी सप्लाई चली जाती है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है, डेड हो जाती है, जिसकी वजह से सप्लाई कम हो जाती है और जो डिमांड है वो वहीं के वहीं रहती है, या फिर डिमांड वहाँ से और बढ़ती है, क्योंकि जब भी बर्न आता है तो डिमांड एकदम से बढ़नी शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल केस ये होता है कि सप्लाई कम होती है और उसके कंपेरिजन में डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, जिस कारण हमें बीएनबी का या फिर ऐसा कोई भी कॉइन है जिसका बर्न होता है तो उसकी वैल्यू में इंक्रीज हमें देखने को मिलता है। लेकिन ध्यान देना, जरूरी नहीं कि हमें एकदम से ही बड़ी रैली देखने को मिल जाएगी राइट आफ्टर बर्न या फिर राइट जब भी बर्न चल रहा होगा, क्योंकि ये कई बार थोड़ा टाइम भी ले लेता है। मार्केट कई बार नीचे होती है यानी कि डाउन में होती है, जिस वजह से जो ऑल्टकॉइंस कई परफॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन उनका इम्पैक्ट थोड़े टाइम के बाद या एक हफ्ते के अंदर भी हमें देखने को मिलता है। और ऐसा कई बार हुआ है बीएनबी के साथ भी और भी कई सारे कॉइन्स के साथ, जो कि इम्पैक्ट थोड़े टाइम के बाद दिखाते हैं और हमें अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। और वैसे भी बीएनबी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉइन है, स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सचेंज कॉइन है, क्योंकि ये बेस्ट एक्सचेंज को बिलोंग करता है। तो फाइनली 24th बीएनबी का बर्न कंप्लीट हुआ है और यहाँ पे जो वैल्यू बनती है ये $484 मिलियन की बनती है। ऐसा मान लो कि लगभग $0.5 बिलियन बिल्कुल बर्न कर दिया गया, मार्केट से हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया है। इसी के साथ कुछ और बीएनबी भी बर्न हुए हैं जो कि पायनर बर्न प्रोग्राम के साथ हुए। ये बनता है लगभग 747 बीएनबी, और जो ऑटो बर्न हर क्वार्टर में होना ही होता है वो लगभग 2 मिलियन बीएनबी के पास हुआ है। तो ये चीज़ हम एक्सपेक्ट वजीरेक्स में भी करते हैं कि वजीरेक्स में भी जब होना शुरू हो जाएगा तो वजीरेक्स में बहुत अच्छा प्राइस में वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं वजीरेक्स से बार बार एक्सपेक्टेशंस क्यों लगाता हूँ WRX में, क्योंकि इसका जो बर्न है बहुत लंबे समय के बाद होने वाला है। अगर लंबे समय के बाद बर्न होता है तो डेफिनेटली WRX का प्राइस हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन ये मौका है ऑल्टकॉइंस से फ़ायदा लेने का, जैसे कि मैंने आपको XLM बताया, XRP बताया, तो इन कॉइंस को मत छोड़ना, अच्छा प्रॉफिट देकर जाएंगे। और वैसे भी होपफुली बिटकॉइन की रैली हमें देखने को मिल सकती है $35,000 तक, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हमेशा पहुँचते रहें और आप कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।